गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सो एंड एंडो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चार क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे दूसरा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारी डाइन, ये है डाइनोफाइल। तो इसको हम देखते हैं अब इसका सोल्यूशन को। तो उस इस वाले डाइन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम लिखें तो प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो दिखने में सिंपल होगा। तो पहले हम इस तरह से बना लेते हैं, ये हो गई हमारी डाइन। अब डाइनोफाइल को बनाते हैं यहाँ पर। ये रहा हमारा डाइनोफाइल। अब ये वाला बाण जो है वो यहाँ से इस तरह से बनेगा, यहाँ पर और ये वाला बाण बनेगा यहाँ पर। तो ये कुछ एक्सो एंडो की तरह रिंग वाली जो मैंने बताया था उसमें उसकी तरह से दिखने लगी। तो हम पहले इसको बना लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिख रही है ना, उसी तरह से मैंने उसे बना दिया है। और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर डबल बांड आ जाएगा। ये बांड इस साइड मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा और ये वाला इधर मूव करेगा। तो यहाँ पर डबल बांड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोनों एच कहाँ जाएंगे, एक एच यहाँ पर और एक एच यहाँ पर। और ये हमारी डाइनोफाइल है, इससे बाहर वाला जो है वो बाहर लिख दें और जो अंदर उसे अंदर। बाहर एच एक बाहर हो गया और एक एच अंदर। अब देखिए सी एन बाहर है और एच अंदर है, तो सी एन इधर बाहर हो जाएगा और एच अंदर की साइड, नीचे की साइड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा। अब हम जब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक और ये दो, तीन और ये चार और ये पाँच और छः। तो यहाँ पर सिक्स मेंबर रिंग बना लें सबसे पहले। ये हमारी सिक्स मेंबर रिंग और यहाँ पर है डबल बॉन्ड। अब हमें दिखाना है कि ये एच की, इन दोनों एच की स्टीरियो केमिस्ट्री और इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री दिखानी है। तो सबसे पहले हम वेज बॉन्ड को बना लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कौन कहाँ जाएगा। तो अब इस डाइनोफाइल को देखिए, यहाँ से क्या है कि ये एक एच बाहर है और एक सी एन बाहर है और एक एच अंदर है यहाँ, और यहाँ पर भी एच अंदर है। तो इस वाले में एक एच ऊपर हो जाएगा, एक एच नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एच नीचे की साइड और एक एच ऊपर की साइड हो जाएगा। और यहाँ पर सी एन बाहर की साइड है, जो बाहर जाएगा वह उससे हम ऊपर कर देंगे। सी एन बाहर है तो सी एन को ऊपर और एच अंदर है तो एच नीचे हो जाएगा। तो अब ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, यह है हमारी कैविटी वाली साइड ना, और यह है कॉनकेव वाली। और जब ये कैविटी से ये सी एन वाला जब दूर की साइड होता है तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट होता है एक्सो। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, एक्सो कब होगा एंडो कब होगा। तो ये इसे दूर की साइड है तो यह है एक्सो। अगर ये इसकी साइड होता, ये नीचे की साइड होता, ये इसकी तरफ होता तो वो होता हमारा एंडो। तो अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये सी एन बाहर की साइड। अगर हम इस डाइनोफाइल को इस तरह से फ्लिप करा के करें, सी एन को बाहर है, अब सी एन को अंदर की साइड करा के करें, तब क्या होगा हमारा। सीन को अंदर कर देते हैं, इसको बाहर। तो अब बॉन्ड जो बनेगा हमारा यहाँ से इस तरह से बनेगा। तो अब इसकी, इसको पहले एक्सो एंडो वाली रिंग की तरह बनाएं। पहले हम एक्सो एंडो दिखा दें इसे। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से एक एच अंदर एक एच बाहर हो जाएगा। और यहाँ देखिए सी एन अंदर की साइड है तो ये इसे हम नीचे की साइड लिखेंगे, नीचे इधर सी एन और एक एच इधर है। तो अब ये हो जाएगा हमारा एक्सो, क्योंकि ये कैविटी वाले के पास में है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा एक्सो। और इसकी अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री देखें तब, तो सिक्स मेंबर रिंग उसी की तरह पहले बन जाएगी। ये हो गई सिक्स मेंबर रिंग हमारी, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो वेज बॉन्ड को सबसे पहले हम दिखा लेते हैं। वेज बॉन्ड को इधर दिखा दें, ये बिलो वाला, ये बब वाला, और इसमें ये रहा बिलो वाला, और ये रहा एबब। तो इसमें याद देखिए, यहाँ एच बाहर है, यहाँ एच बाहर है, दोनों एच बाहर बाहर हैं। तो दोनों को एच पहले दिखा दो, दोनों को बाहर ऊपर की साइड, बार वाला ऊपर की साइड दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एच अंदर की साइड है और सी एन अंदर की साइड है, तो एच को यहाँ पर दिखा देते हैं बिलो द प्लेन और सी एन को भी बिलो द प्लेन। ये हो गया हमारा, ये हो गया था हमारा एक्सो। ये वाला है एंडो, ये वाला है एंडो,
ये इसके पास, ये कैविटी वाले के पास में आएगा तो ये हो जाएगा हमारा एंडो, और ये वाला भी हो जाएगा हमारा एंडो। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा ये मिथाइल ग्रुप इसमें और जुड़ गया है, डाइन में हमारा मिथाइल ग्रुप और जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन था अभी, ये पहले का पहला था और ये पहले का दूसरा पोजीशन, जो इसमें दो पॉसिबिलिटी थी ना, एक बाहर की तरफ बाहर सीन था उसे हो गया, अब सीन अंदर की साइड हो गया। अब हम जब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अब ये दूसरा, तो दूसरे में यहाँ पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो अब इस मिथाइल ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, मिथाइल ग्रुप इसमें हम यहाँ दिखा दें और इसमें हम यहाँ दिखा दें, तो अब इसमें मिथाइल ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। तो मैंने बताया है कि जो हमारे डाइन में, ये हमारे डाइन है, जो इसके आउटसाइड, जो इसे आउटसाइड होंगे कोई भी ग्रुप, इसको हम बिलो द प्लेन लिखेंगे। अगर इसके कोई इनसाइड इनर इनर इसके अंदर में होता, यहाँ पर अगर कोई ग्रुप होता, यहाँ पर अगर मान लीजिए यह चाहे, तो अगर हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाएंगे तो ये कहाँ जाएगी, अबव द प्लेन। तो फिलहाल हमें मिथाइल दिखाते हैं, तो मिथाइल जाएगा बिलो द प्लेन, यहाँ भी मिथाइल बिलो द प्लेन, और यहाँ पर भी अगर हम मिथाइल वही लें, यमी ग्रुप यहाँ हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी डाइन पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन। ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन। तो मिथाइल बिलो द प्लेन इसमें रहेगा, तो ये एक्सो वाले में मिथाइल मिथाइल बिलो प्लेन ये प्रोडक्ट बनेगा, और एंडो वाले में मिथाइल बिलो द प्लेन ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें सी एन भी बिलो द प्लेन होंगे और इसमें सी एन अबव द प्लेन होगा। तो आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा डाइन तो वही है लेकिन अब डाइनो फाइल को हम चेंज कर रहे हैं। तो अब मैं जिस तरह से पहले मैंने बता दिया कि उस तरह से कैसे बनाना, अब मैं सीधे सीधी डाइन बनाऊंगा जिस तरह से है, इस तरह मैं पहले डाइन बना लेता हूँ। यहाँ पर एमी ग्रुप है, यहाँ पर एमी ग्रुप, और यहाँ पर हमारा डाइनो फाइल है, सारी पोजीशन पे एच लगा हुआ है, इस पोजीशन पर ये हमारा सी एच ओ ग्रुप है। तो अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम बॉन्ड को मूव करा के देख लें, ये वाला बॉन्ड जो इस तरह से मूव करके यहाँ पे जुड़े, और ये पाई बॉन्ड इधर मूव करके इधर, और ये वाला पाई बॉन्ड इस तरह मूव करके इधर, तब हमारा यहाँ पर क्या होगी, सिक्स मेंबर रिंग बनेगी। तो पहले हम एक्सो एंडो वाली तरह पहले बना लें, इस तरह सिक्स मेंबर रिंग बना लें, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारा, ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और दोनों मिथाइल ग्रुप की, अभी इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री ने भी, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप यहाँ पर और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर, और यहाँ पर एक एच अंदर एक एच बाहर, तो एक एच इधर और एक एच इधर दिखा दें हम, और एक एच इधर है, और यहाँ पर है हमारा सी एच ओ ग्रुप। तो अब ये कौन सा है प्रोडक्ट, एक्सो है कि एंडो है, इसको हम कैसे देखेंगे। देखिए ये वाला है, ये कैविटी वाली साइड, ये इससे दूर जा रहा है, तो ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा एक्सो। तो अगर हमें अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री दिखानी हो तब कैसे हो जाएगी इसकी, तो सबसे पहले हम 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, सिक्स मेंबर पहले रिंग बनाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, मिथाइल की कहाँ जाएगी हमारी, बिलो द प्लेन, यहाँ पर भी बिलो द प्लेन, और यहाँ पर हम बॉन्ड पहले बना लें, तो अभी इसमें कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं अपने डाइनो फाइल पास, यहाँ देखते हैं कौन सा बाहर है कौन सा अंदर है। तो देखिए दोनों एच अंदर की साइड है, तो दोनों एच नीचे, पहले यहाँ पर एक एच नीचे, यहाँ पर एक एच नीचे, जो अंदर है वो नीचे, जो बाहर है वो ऊपर। अब ये दोनों बाहर है, एक एच बाहर है, यहाँ पर सी एच ओ ग्रुप बाहर है, तो यहाँ पर हम इसे बाहर कर देते हैं, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो, और ये रहा एच। ये हो गया। तो अभी एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये थी, अभी हम इसको अगर इस तरह फ्लिप करके कराएं, इसको सी सी जो ग्रुप को अंदर कर, अंदर की साइड करके, तब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको हम देखते हैं। ये हो गया हमारा, और यहाँ पर लगा हुआ यमी, यहाँ पर यमी है, अब सी एच ओ ग्रुप अंदर की साइड,
और बाकी जगहों पे ही अच्छा लगा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये मी ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल इसी की तरह होगा, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि यहाँ पर ये उधर साइड था, बस ये नीचे की साइड हो जाएगा। यहाँ पर सब कुछ ये सब सेम रहेंगे, तो ये नीचे की साइड इस तरह से आ जाए और ये डबल बॉन्ड हो यहाँ पर, और एक एच यहाँ पर, और एक एच यहाँ पर, कुछ इस तरह से। अभी हम इसको स्टीरियो केमिस्ट्री अगर दिखाने इसके आगे बढ़ा करके, तो सबसे पहले सिक्स मेंबर रिंग बना लें और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो जाएगा हमारा। और मिथाइल ग्रुप कहाँ जाएगा, नीचे की साइड जाएगा, जो हमारा डाइन में आउटसाइड होगा उसे हम लिखेंगे बिलो द प्लेन। स्टीरियो केमिस्ट्री उसके हम दिखाएंगे बिलो द प्लेन, ये हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर हम वेज बॉन्ड पहले बना लें, तो क्या हो जाएगा हमारा। अब इसमें देखिए डाइनोफॉइल के ये दोनों एच बाहर की साइड है, तो दोनों एच को पहले ऊपर दिखा देते हैं। अब इसमें एक एच अंदर है और यहाँ पर सी एच ओ अंदर है, ये हो जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ से ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ से एच, ये हो जाएगा हमारा। तो ये वाला एक्सो था, ये वाला भी एक्सो था, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री एक्सो में ऐसी होगी। और ये वाला एंडो प्रोडक्ट है, ये इसके पास में आ गया, और ये वाला हमारा एंडो प्रोडक्ट है। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन को, चौथा क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। इसमें डाइन थोड़ी सी अलग है, ये इस तरह की डाइन है, और यहाँ पर डाइनोफाइल जो हमारा यहाँ पर एक्सो एंडो प्रोडक्ट जो बनने वाला है, वो अभी तक हम नीचे देखते थे, इसमें ऊपर बनने वाला है। ऊपर कैसे होगा उसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पर और एक एच यहाँ पर। तो यहाँ पर बांड को हम मूव कराएंगे, ये बांड इधर साइड मूव होकर इससे जुड़ेगा, ये वाला बांड इस साइड पे जुड़ेगा, और ये वाला इधर की साइड। तो यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले उसको दिखा दें, ये हमारा ये हो जाएगा, और ये अंदर की साइड ये वाला ये ग्रुप, ये वाला ये वाला ये वाला ये हो गया, और ये इसके अंदर वाला जो है वो मैंने इसे ये अंदर ही दिखाया है, और जो इससे बॉन्ड बनेगा ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो वो ये है और ये है, और ये डाइनोफाइल वाला सी एन ये है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ सी एन आ जाएगा, और हमारे एक सी एस थ्री यहाँ पर हम लिख लें अगर, और यहाँ पर एक एच, यहाँ पर दो एच हैं, एक एच यहाँ पर है, ये इस तरह से हो जाएगा, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम इसको एक्सो एंडो में रिंग की तरह दिखाएंगे तो वो किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा। तो सबसे पहले सिक्स मेंबर रिंग हमारी ये ऊपर बाहर वाली बन जाएगी, ये वाला और ये मिला सिक्स मेंबर रिंग बनेगी, और ये जो बीच वाला पोर्शन बचेगा ये हमारा ये ऊपर की साइड हो जाएगा, वो इस तरह से होगा। ये वाला ये बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये हो जाएगा दूसरा बॉन्ड यहाँ पर, तीसरा बॉन्ड यहाँ पर, ये इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर वाला बॉन्ड यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर सी एन जो ऐसे वो सी एन ऐसे रहेगा। अब सी एच थ्री को हम यहाँ दिखा दें, और यहाँ पर सी एच टू है ये। तो अब बात कर लें इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, बस यही होगी, इसमें ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला ये बन जाएगा हमारा। तो अब इसमें ये देखना है कि अब इसमें कौन सा एक्सो है, ये एक्सो है कि एंडो है, अब ये इसको हम कैसे देखेंगे। तो इस वाले पोजीशन पे होता था तो ये नीचे की साइड होता था, वो एंडो हो जाता था। अगर इससे इस साइड पोजीशन पे ये दूर की साइड होता था तो वो एक्सो हो जाता था। लेकिन इस साइड पर क्या होगा, तो इस पोजीशन पर अगर ये बाहर की साइड है तो वो एक्सो हो जाएगा, और ये अगर सी एन अगर नीचे की साइड होता तो वो एंडो होता। इसको हम देखते हैं अभी दूसरी पोजीशन से, तो ये हमारा अभी है एक्सो। तो अभी हम इसको अगर सी एन बाहर की साइड है तो इसको हम इस तरह से मूव करें कि ये सी एन बाहर की साइड ही रहे, तो क्या होगा हमारा। ये हो जाएगा, और सी एन को हम इधर कर दें, ऊपर से सिर्फ नीचे ला रहे हैं बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, और यहाँ से ये एच और ये एच, तो बॉन्ड मूवमेंट वैसे ही होगा, ये ऐसे और ये यहाँ पर ऐसे और ये इधर घूम के ऐसे, तब हमारा क्या हो जाएगा। तो अब इस तरह से बन जाएगा, मैं डायरेक्ट उसको बनाता हूँ। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा,
ये इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी दोनों ऊपर कहाँ आ रहे हैं, दोनों यच आ रहे हैं, एक एच यहाँ पर और एक एच अंदर दिखा दें। अब सी एन देखो बाहर की साइड है और सी एच थ्री नीचे की साइड है, तो सी एन इधर की साइड है और सी एच थ्री इधर है। तो इधर हम सी एन को देखकर एक्सो और एंडो को करेंगे, एक्सो एंडो नाम देंगे। तो यहाँ पर सी एन जो है वो इस ग्रुप से बाहर की साइड है ना, तो इसमें ये एक्सो है और ये वाला भी एक्सो है। क्यों? बस ये दोनों आपस में एनैन्शियोमर हैं आप एक दूसरे के, और इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। दोनों एनैन्शियोमर मतलब मिरर इमेज है, दोनों एक जैसे ही हैं। बस ये ऊपर उसमें ऊपर की साइड दिख रहा है, इसमें नीचे की साइड दिख रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। वो दोनों एक्सो हैं। अब हम इस सी एन को, आई सी एन बाहर है, इसको हम अंदर की साइड अगर करके करेंगे तब क्या आएगा हमारा, यहाँ पर हमारा बनेगा एंडो प्रोडक्ट। तो इस तरह से हो जाएगा। तो इस सी एन हमारा यहाँ पर, सी एच थ्री यहाँ पर और इन दोनों पोजीशन पर एच, तब हमारा क्या बन जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा ही। और देखिए यहाँ पर एच बाहर है और सी एच थ्री बाहर है, तो यहाँ पर एच, यहाँ पर सी एच थ्री और अंदर की साइड यहाँ पर एच है और यहाँ पर सी एन है। तो अब सी एन इसके पास में आ रहा है, तो ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा एंडो। तो एंडो की अगर हम बस हम इसको यहीं रहने देते हैं, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट एक्सो, ये हो जाएगा एंडो। इसमें सी एन बाहर की साइड है तो ये हो गया एक्सो, और इसमें सी एन अंदर की साइड है तो ये हो जाएगा हमारा एंडो। अब मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद करते हैं इसे। तो अब देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो पांचवा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पर डायनोफाइल भी एकदम सिंपल है, ये हो गया। अगे तो इसमें क्या हो रहा है कि ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे ना, ये हमारी डाइन और डाइनोफाइल हमारा इधर, ये डाइन हमारी इस तरह ऊपर से, डाइन हमारी इस तरह ऊपर से आएगी और डाइनोफाइल नीचे एक साइड से आएगा। और उसके जो पाई ऑर्बिटल, जो पाई बांड है उसमें जो पाई ऑर्बिटल हैं वो ऊपर नीचे इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। तो इसमें यहाँ पर अगर मैं इस पाई बांड को ना दिखा करके यहाँ पर अगर पाई बांड को, पाई ऑर्बिटल को दिखाऊँ, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा हूँ, तो ये इससे ओवरलैप करेंगे और ये इससे ओवरलैप करेंगे और ये इस तरह से ओवरलैपिंग होगी और ये पीछे खाली रहेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, बस एक सिंपल सा सिंपल एकदम रिंग बनेगी। इसमें एक्सो एंडो आप नहीं दिखा पाएंगे, मतलब सब सभी एच हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये एक्सो एंडो है। तो बस ऐसे ही ये यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसमें पाई आर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, अगर हम इसको फिल भी कराएं तो भी ये बाहर की साइड रहेगा। तो इसमें दिखाने का मतलब ये है कि ये इतना ग्रुप जो है इन्वॉल्व हो रहा है और ये पाई आर्बिटल बाहर की साइड ये बच जा रहा है। तो अगर हम इस डाइन को अगर इस तरह घुमा के कराएं तो ये डाइन इधर बाहर की साइड आकर बच जाएगी। तो अगले क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्यों बच जाएगी क्यों नहीं, इसको हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं, तो वो हमें पता चल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अभी तक आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि एंडो प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है और एक्सो जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसा क्यों होता है, बस अब हम उसी को देखने वाले हैं। तो और डायनोफाइल जो है हमारा वो यहाँ पर हो जाएगा, कुछ यहाँ पर नीचे बनाऊंगा इसे। और यहाँ पर हो जाएगा ये डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ओवरलैपिंग होगी, ये बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से बनेगा। तो इसकी ओवरलैपिंग जब इस तरह से होगी, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं अगर पाई ऑर्बिटल में बनाकर दिखाऊँ आपको, यहाँ पर ये इस तरह से, ये वही हमारी डाई है। और इसके बीच में अगर मैं डाइनोफाइल हो, ये ऊपर की साइड है और जो मैं बना रहा हूँ वो नीचे की साइड, इस तरह से होगा। और यहाँ पर मैं पाई ऑर्बिटल अगर दिखाऊँ, जो पाई बांड है मैं उसको ऑर्बिटल के रूप में दिखाऊँ अगर, तो
तो ओवरलैपिंग क्या होगी इसकी, इस तरह से इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसकी ओवरलैपिंग इससे और इसकी ओवरलैपिंग इससे, और इसका जो ये बाहर वाला ऑर्बिटल है ये पाई ऑर्बिटल इसका इस तरह से रहेगा, असल में इस तरह से नहीं, इस तरह से रहेगा, जिस तरह से भी रहे इसका ये ऑर्बिटल खाली रहेगा, ये वाला ऑर्बिटल खाली रहेगा और इसका ये वाला ओवरलैप होगा, तो इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से। तो ये बनेगी हमारी 6 मेंबर रिंग, और ये अंदर वाला पोर्शन मैं अंदर ही दिखाऊंगा अभी, यहाँ पर ये इस तरह से, और इसका बाहर वाला कुछ ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हमारा एच बी है ना, यहाँ पर अगर एच है तो अभी हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री अगर दिखाएं, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री दिखानी हो तो ये हमारा डायनोफाइल, ये इससे बाहर की साइड वाला जो है वो बाहर साइड वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये वाला हमारा हो जाएगा ऊपर की साइड, ये वाला हो जाएगा हमारा ऊपर की साइड, ये वाला हो जाएगा हमारा, दोनों बाहर की साइड है तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर की साइड, इसे हम दिखाएंगे वेज बांड के थ्रू, ये हो गया ऊपर की साइड, और ये दोनों एच अंदर की साइड है तो दोनों एच यहाँ पर दिखा देते हैं हम नीचे की साइड, और यहाँ पर जो दोनों एच हैं वो डाइन का जो भी हमारा एबव दिप आउटर, जो आउटर ये हमारी डाइन है जो इसके बाहर होता है उसे हम बिलो द प्लेन दिखाते हैं हमेशा, तो यहाँ पर भी इसे हम बिलो द प्लेन दिखा देते हैं, इसे भी बिलो द प्लेन। तो अभी हमें देखना ये एक्सो है कि इंडो है, तो अभी हम उसकी जिस तरह से यहाँ पर बना दूँगा इसे एक्सो इंडो हम इस तरह से देखते हैं ना, तो इस तरह से देखना आसान होता है। तो ये हो गई हमारी 6 मेंबर रिंग यहाँ से, ये 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 6 मेंबर रिंग बन गई, और ये वाला जो ब्रिज कार्बन ये ऊपर जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर दो एच लगे हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ देखिए ये दोनों, ये जो हमारा डायनोफाइल का जो स्टीरियो केमिस्ट्री आई थी, ये दोनों ऊपर की साइड, ये ऊपर की साइड, ये ऊपर की साइड, तो हम दिखाएंगे इसमें ये ऊपर की साइड, ये ऊपर की साइड, दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों ऊपर हो गए, बस अब हमें यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देना है, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, ये जो दोनों ऊपर की साइड ये इससे दूर जा रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा एक्सो। तो अभी हम एंडो को देखते हैं, तो क्या होगा, तो इसको हम फ्लिप करके कराएंगे ना, ये हमारी डाई और डाइनोफाइल हमारा फ्लिप हो जाए, ये यहाँ पर, तो अब इसकी ओवरलैपिंग जो होने वाली है वो कुछ अलग होगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गए, पोजीशन तो वही रहेगी, ये इससे इस पर होगी और इससे इस पर होगी, लेकिन अब किस तरह से होगी वो आप यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जिस तरह से मैंने उसमें दिखाया था, ये हो जाए हमारा ये हमारी डाइन, जो हमारी डाइन का जो पाई बॉन्ड है मैं उसको पाई ऑर्बिटल में दिखाऊंगा अगर इस तरह से, और यहाँ पर हमारा डायनोफाइल किस तरह से आएगा वो इस तरह से है ना, यहाँ पर और यहाँ वाला ऑर्बिटल इसे ओवरलैप करेगा, ये वाला इसे ओवरलैप करेगा, और इस कार्बन से जो इसका ऑक्सीजन वाला ये पाई बॉन्ड जो है वो इससे ओवरलैप करेगा इस वाले से, और यहाँ वाला जो कार्बन है ये कार्बन ये पाई बॉन्ड जो है वो इससे ओवरलैपिंग करेगा, तो यहाँ पर वो ओवरलैपिंग हो ही रही है जो हमें करानी है, यहाँ पर सेकेंडरी इंट्रैक्शन भी, सेकेंडरी ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रहा है, जो एंडो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसमें यहाँ पर सेकेंडरी इंट्रैक्शन भी होता है, तो फिर इसीलिए हमारा एंडो प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो इसको हम बनाएंगे किस तरह से बनेगा, तो रिंग तो पहले जैसे हम पहले बनाए वैसे बना लेते हैं इस तरह से, और ये हमारा ब्रिज कार्बन, अभी हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन है और हमारा ये हाइड्रोजन है, ये हमारी डायनोफाइल है, ये डायनोफाइल से ये दोनों बाहर की साइड हैं, दोनों एच बाहर की साइड, तो ये दोनों एच पहले मैं इसको दिखाता हूँ, ये अंदर की साइड जो है ये पूरा ग्रुप जो है ये दोनों अंदर की साइड है, तो दोनों अंदर की साइड यानी कि नीचे आ जाएंगे ना,
यहाँ पर ये एक एच बाहर और एक एच यहाँ से इस तरह से बाहर होगा यहाँ पर। अब ये वाली जो रिंग है हमारी, ये डायनोफाइल वाली, वो नीचे की साइड आ रही है, वो हो जाएगी हमारी एंडो। यहाँ पर एक डबल बांड होगा, वो हो जाएगी एंडो। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बीच वाला इधर छोड़ दिया हूँ, यहाँ पर इसको भी बनाऊँगा, अगर जो उसमें बनाया था पहले इधर सिक्स मेंबर रिंग, और यहाँ पर इसका ब्रिज वाला कार्बन ये वाला, और ये जो दोनों एच ऊपर की साइड जा रहे थे, और ये हमारी जो डायनोफाइल वो नीचे की साइड आ रही थी, वो इस तरह से। और यहाँ पर डबल बांड ओ, और ये डबल बांड ओ, और यहाँ पर दोनों एच ऊपर की साइड। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, फिर इसके बाद इसको, तब सही रहेगा। तो देखिए, और अगर यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन हो तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो दिखाएंगे वो यहाँ पर बिलो द प्लेन हो जाएगी, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड तो रह गई। तो देखिए, अब इसमें ये एच ऊपर की साइड है, यहाँ पर एच ऊपर मतलब बाहर की साइड है, तो यहाँ पर दोनों एच बाहर की साइड, और ये देखिए बिलो द प्लेन, ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया, ये बिलो द प्लेन नीचे की साइड है ना, तो इसमें ये नीचे की साइड इस तरह से दिखाया गया है। तो ये है हमारा एंडो प्रोडक्ट जो कि इसके पास में आ रहा है, इसके ये नीचे की साइड आ रहा है तो इसके पास, और उसमें वाले में जो ज़्यादा ऊपर साइड जा रहा था उससे दूर, तो वो था एक्सो। ये है हमारा एंडो। तो एंडो वाला प्रोडक्ट मेजर क्यों बनता है, उसका कारण ये, क्योंकि यहाँ पर ये इंट्रैक्शन होता ही होता है, यहाँ पर ये इसका पाई ऑर्बिटल वाला यहाँ पर, तो लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी इंट्रैक्शन भी होता है, ये जो ऑक्सीजन वाले हैं ना, तो ये जाकर इससे भी इंट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, इसलिए एंडो प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो डायनोफाइल दिख रही है वो दोनों तरफ से सेम है, तो वो कौन सी अब कौन सी डायनोफाइल उसमें से यहाँ पर इंटरेक्ट होने वाली है उसको अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इससे ये पोजीशन जो वो इधर वाली भी सेम है, इधर वाली भी सेम है, तो इसमें आप कौन सी डायनोफाइल जो है वो इंटरेक्ट करेगी इसको अब हमें देखना है। तो सबसे पहले चलिए हम इसको अगर इंटरेक्ट कराएं पहली वाली को, तो यहाँ पर ये बॉन्ड मूव इस तरह से हो जाएगा, तब हमारा बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगी पहले सिक्स मेंबर रिंग इस तरह से, और ये अंदर वाला पोर्शन अंदर ही रहे इस तरह से। तो अभी हम इस पर कराने, तो यहाँ पर ये अच्छा लगा दें और यहाँ पर ये अच्छा लगा दें, तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, तो इस डायनोफाइल से ये बाहर की साइड है और ये अंदर की साइड है, तो ये अंदर वाला जो है वो हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे नीचे, यहाँ पर हाइड्रोजन गए नीचे, और यहाँ पर अब ये वाला बांड जो है ये वाला और इसमें ये वाला, ये जाएंगे अबव द प्लेन, यहाँ पर भी वही होगा, फिर उसके बाद सब सेम होगा इस तरह से। और यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ और यहाँ पर ये सही है। तो अगर ये वाली डाइन जो हमारी इससे इंटरेक्ट करेगी तो ये दोनों ऊपर जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जब दोनों ऊपर जाते हैं इस वाली पोजीशन, जब दोनों ऊपर जाते हैं वो हमारा प्रोडक्ट होता है एंडो एक्सो, वो हमारा प्रोडक्ट बनेगा एक्सो। तो ये इस डाइन से इंटरेक्ट करेगा तो एंडो, अब इस वाली डाइन से इंटरेक्ट करेगा, ये घूमकर इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये इसके ऊपर जाकर इंटरेक्ट करेगा, तब ताकि ये पीछे से सेकेंडरी इंटरेक्शन दिखाए। अगर ये इसको घुमा कर करेंगे आप तो वही सेम फिर से एक्सो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, आप घुमा के करना इसको घुमाएंगे तो फिर से वही सेम हो जाएगा, लेकिन अगर इसको उठाकर इसके ऊपर से ले जाएंगे तो इसको हम इससे इंटरेक्ट कराएंगे तो पीछे से ये वाला जो है वो इससे इंटरेक्ट करेगा। तो सबसे पहले आप एक्सो वाला देखिए इंटरेक्शन किस तरह से होगा, यहाँ से पाई बॉन्ड घटाया जाए, तो यहाँ पर ये पाई ऑर्बिटल इस तरह से, ये पाई ऑर्बिटल इस तरह से दिखाया जाए, तो ये आपस में ओवरलैपिंग इस तरह से होगी और इसकी ओवरलैपिंग इस तरह से होगी, और ये जो इसका बाहर वाला है वो खाली रहेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा। लेकिन अगर अब हम इसको इन दोनों को इससे इंटरेक्ट कराएं, इसको घुमा कर नहीं सीधे इस पर ही इंटरेक्ट कराया जाए तो क्या होगा हमारा, तो उसको आप इसमें देखिए, ये हमारी हो गई डाइन, तो पाई बॉन्ड हटा देते हैं सबसे पहले, तो
यहाँ से ये ओ है, ये ओ है, और यहाँ वाला बांड इस तरह से दिखा देते हैं। तो यहाँ वाला जो पाई बांड है उसको हम आर्बिटल इस तरह से दिखाएं, और यहाँ पर आर्बिटल इस तरह से, और यहाँ पर इस कार्बन वाला जो आर्बिटल है वो इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा जब ये इसके ऊपर आकर करेगा, और यहाँ पर ये कार्बन वाला इस कार्बन पर ये जो पाई बांड है वो ओवरलैपिंग इससे कर लेगा। ये हमारा है और ये ओवरलैपिंग इसे करेगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी इंट्रैक्शन हो रहा है, तो इससे जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे इसके ऊपर ला करके, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रहेगा। ये डबल बॉन्ड रहेगा और ये इस तरह से रहेगा। तो अब इसमें क्या होगा, जब आकर ये इससे इंटरेक्ट करेगा तो ये यहाँ पर ये अच्छी दिखाया जाएगा। तो ये अगर जब इसे इंटरेक्ट करेगा तो ये डायनोफाइल ये बाहर की साइड होंगे और ये सब पूरा अंदर की साइड होगा। तो ये दोनों एच जो यहाँ पर सिर्फ बाहर की साइड होंगे और ये सब अंदर की साइड होंगे। तो यहाँ पर बिलो द प्लेन हम दिखा सकते हैं ये, फिर ये यहाँ देखिए डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा और ये दोनों बिलो द प्लेन, और यहाँ से हाइड्रोजन दोनों जो है वो ऊपर की साइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा ये वाला हमारा एंडो। तो एंडो वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है क्योंकि उसमें सेकेंडरी इंट्रैक्शन होता है, और एक्सो वाला हमारा माइनर बनता है, उसमें सेकेंडरी इंट्रैक्शन नहीं होता, ये पीछे वाला जो बॉन्ड होता है वो खाली होता है। तो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 सबसे अलग है, तो उसको लिखते हैं सबसे पहले हम। ये रहा हमारा डाइन और डाइनोफाइल, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ओ है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। ये हो गया हमारा। अब जब ये इससे इंटरेक्ट करेगा, अब पहले इसको आप देख लीजिए, इसको अगर आप इस तरह से फ्लिप करेंगे, इसमें पहले क्या है, ये बाहर है ये अंदर है, अगर फ्लिप करेंगे तो ऊपर वाला अंदर हो जाएगा ये वाला बाहर हो जाएगा। तो अगर इस तरह से घुमाया जाए तो ये वाला अंदर वो वाला बाहर, अगर फिर उस तरह से घुमाएंगे किसी भी तरह से घुमाएंगे तो एक अंदर एक बाहर होगा इसमें। तो इसमें एक्सो एंडो नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही तरह से वो इस तरह से बन जाएंगे आराम से। सिक्स मेंबरिंग यहाँ पर बन जाएगी, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये बाहर की साइड है, ये डबल बॉन्ड ऊपर, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो, और ये रहा ओ, और ये रहा ये, और यहाँ पर वही सब होगा, बस ये बिलो द प्लेन हो जाएंगे। और यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि आप इसको किसी भी तरह से घुमाएंगे तो एक्सो एंडो बनने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा वो ये। तो आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।